अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी आई थिंक 12:01 बज रहे हैं, तो मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि परसों की जो वीडियो थी वो मैंने कल अपलोड की थी, लेकिन आज मैंने कहा चलो व्लॉग बना दूँ। और मेहमान आए हुए, ये देखे आप ही आई हुई हैं, आप ही कल आई थी ना दवाई लेने से आप ही को यहाँ हॉस्पिटल से, तो आप ही यहीं से लेती हैं। आप ही को हेपेटाइटिस है ना, तो आप ही यहीं से लेती हैं मेडिसिन। तो नाश्ता तो हमने सुबह कर लिया था, तो अभी मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में आज बनेगी मछली। तो रात को मैंने चिकन पुलाव बनाया था, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी, लेकिन एंड मैंने जो फाइनल लुक था ना वो मैं वीडियो नहीं, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि आप ही गई हुई थी डॉक्टर के पास मम्मा के साथ और बच्चे सारे मेरे पास थे, तो इस वजह से मैं जो एंड खाना वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। ये देखे बच्चे कुत्ते की तरह चीख हुए। तो ये मैंने जो है ना नोज़ वाली पिन थी वो मैंने निकाल दी, ठीक है, इसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मैंने निकाल दी, तो वैसे अधूरापन सा लग रहा। तो मैं अब खाना बनाती हूँ और फिर आज मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही थी अपना हेयर अपना हेयर स्टाइल चेंज करूँ, तो मैं सोच रही थी अपने बालों की कटिंग करवा दूँ। मैं सुबह से वीडियो इस वजह से नहीं बना रही थी, शोर शराबा चीखना चिल्लाना, जब भी कैमरा उठाओ तो इतना शोर शराबा, तो आज कोई रियायत नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगी। तो व्यूअर्स, काम वाम तो मैंने कर लिया था, सफाई तो बच्चों से करवाई थी, बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, किचन भी साफ कर दिया था, और ये देखे रात को मैंने पुलाव बनाए थे ये वाले, लेकिन अभी तो ये इसका कुछ यूं लुक आ रहा है, थोड़े से मेरे जो ड्राइस थे वो थोड़े से चिपक गए थे, तो बस सही बने थे। तो आज खाने में बनेगी ये वाली मछली और ये वाली सब्जी से, तो ये वाली सब्जी से, ये भी बांग्लादेश की जो ना एक बहुत फेवरेट फेमस डिश है। तो मेरी वीडियो जो भी बांग्लादेश से देख रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। तो ये वाली सब्जी सैम की फली हो गई और ये हो गए मछली, ये हो गई मछलियाँ, और इसकी अभी मुझे करनी है सफाई, और इसको जो है ना बंगाली में बोलते हैं उशी उशी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना बांग्लादेश से, तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी कहीं से भी मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बंगाली में इसको कहते हैं उशी और मछली को तो मास्क। अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, पहले करते हैं मछली की सफाई, उसके बाद अपना कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लाइट चली जाती है तो गैस भी चला जाता है, तो पहले बनाती हूँ खाना, क्योंकि बाकी सारे काम तो मेरे हो गए, एक और चीज़ भी दिखाऊँगी एंड में। तो व्यूअर्स, मछली की कर ली सफाई, तो अब उसके अंदर हमने हल्दी मिर्च और नमक ऐड करके ना उसको हमें अच्छे से मसाला लगाना है। और ये जो है सैम की फली, इसकी भी हो गई है सफाई, इस वॉश करके अच्छे तरीके से लगा दिया मसाला, अब थोड़ी देर छोड़ देंगे फिर ग्राइंड करेंगे फ्राई। तो व्यूअर्स, हर दफ़ा हम लेते हैं शारजा, लेकिन इस बार हमने लिया है मीज़ान, तेल की बोतल हो गई थी ख़त्म, तो अब मैं करने लगी हूँ मछली फ्राई। तो मैंने कहा आप लोगों को तेल भी दिखा दो, तो ये है मीज़ान और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो अब करते हैं मछली फ्राई, तेल ऐड करते हैं तवे में। तो व्यूअर्स, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये देखें, काम करते करते आराम करते करते बच्चों को संभालते संभालते हो गई मगरिब, और अभी मगरिब की अजान हो गई है, अब नमाज हो रही है, और हम लोग आके बैठे हुए छत पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हम छत पे नहीं आए थे, तो आज हम छत पे आए और बच्चे खेल में मसरूफ हैं, तो बच्चों का तो खेल चाहिए, बच्चे खेल में मसरूफ हैं। और मैं जो है ना अपना हेयर कट करवा रही हूँ आज आप ही से,
स्पेशल के बाद अब बारी है हेयर कटिंग की और नेक्स्ट वीडियो मेरा हेयर कटिंग का होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। एक्चुअली व्यूअर्स बात ये है ना कि मेरे बाल माशाल्लाह बहुत लंबे वाले जन्नत लंबे वाले में देखिएगा हेयर कट। ओके मेरे ब्लॉग में भी देखिएगा, थोड़ा सा मैं अपने ब्लॉग में भी तो डालूंगी, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगी। जन्नत फिरदौस ब्लॉग में भी जाइएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं, संभलते नहीं है मुझसे क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ, बिजी लाइफ है मेरी, सब कुछ देखना होता है। तो इस वजह से मैं अपना हेयर कट करवा रही हूँ, बाल छोटे करवा रही हूँ ताकि मैं जो है ना केयर भी कर पाऊँ, क्योंकि लंबे बालों में मुझे कंघी करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं अपना हेयर कट करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा हेयर कट, और उसमें आप लोगों को पता चलेगा मेरे कितने लंबे बाल थे, मैंने उनको काट कट करके कितने छोटे करवा दिए, क्योंकि लोगों के मतलब बाल छोटे होते हैं ना तो वो बोलते हैं हमारे बाल लंबे, और मेरे जो है ना बाल लंबे तो मैं कहती हूँ मेरे बाल छोटे हो जाए, क्योंकि हर 6 मंथ्स में बालों की कटिंग लाजमी करवाती हूँ, क्योंकि आपके हाथ से बाल बढ़ते भी हैं और गॉड गिफ्टेड भी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, आपके हाथ से तो बाल बढ़ते हैं ये तो हकीकत बात है, क्योंकि आप ही से बहुत सारे लोग मतलब बाल कटवाते हैं, आपके हाथ से बाल बहुत लंबे होते हैं। और वैसे हमारी जो सिस्टर्स हैं ना, हमारी समाज सारी बहनों के बाल बहुत लंबे माशाल्लाह से, और इसके अलावा आप ही के आप इसे आईब्रोज बनवाओ ना तो आईब्रोज भी बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो मैं आईब्रोज भी ज़्यादातर आप ही से ही बनवाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हेयर कटिंग वाली, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, जो मेरे चैनल पर न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा।